वेलकम गाइस, मैं आशीष मिश्रा बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, हमने लास्ट वीडियोस में अपना पहला यूनिट कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसका ओनर कौन है, उसके रूल्स क्या हैं, प्रोटोकॉल। फिर हम लोगों ने देखा था क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल के बाद हम लोग आए थे टाइप ऑफ कनेक्शन में। टाइप ऑफ कनेक्शन में हमने सीखा था कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी हमें कैसे मिलती है, कैसे हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेट की पहचान सीखी थी। यहाँ से आपका पहला यूनिट ख़त्म होता है। तो गाइस, आज हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन की दूसरी यूनिट डेटा कम्युनिकेशन पे चर्चा करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात होती है कम्युनिकेशन क्या है। अगर हम लोग आम तौर पे बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि बातचीत करना, जिसके लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, एक जो डेटा बोले और दूसरा जो सुने। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि इट रिफर द डिजिटल डेटा टू वन आर मोर बिटवीन वन आर मोर कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डिजिटल डेटा का कन्वर्सेशन एक्सचेंज ही आपका क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन। तो यहां पे हमने इसको फिगराइजेशन भी किया हुआ है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले सेंडर होना चाहिए, दूसरी चीज आपका रिसीवर होना चाहिए। अब हमने कहा कि डेटा का एक्सचेंज करना, ठीक, तो गाइस ये डेटा एक्सचेंज तो होगा, डेटा डिजिटल डेटा आपका एक्सचेंज होगा, लेकिन किसी ना किसी माध्यम के थ्रू होके जाएगा। तो कम्युनिकेशन चैनल जो बनता है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहले चीज सेंडर होना चाहिए, दूसरी चीज आपका रिसीवर होना चाहिए, और तीसरी और अहम चीज है कि आप किस मीडियम से उस डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो गाइस, बात कर रहे थे कि डेटा कम्युनिकेशन के जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो आपका सेंडर, रिसीवर और मीडियम है। एक बार आप इसकी डिफिनेशन को देख लें कि डेटा कम्युनिकेशन रिफर टू द ट्रांसमिशन द डिजिटल डेटा बिटवीन टू आर मोर कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डिजिटल डेटा का एक्सचेंज ही आपका डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब गाइस, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होता है कि डेटा क्या है। अभी तक बात किए थे डेटा के बारे, कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन बात डेटा की नहीं हुई, जिसको आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में जरूर पढ़ा होगा कि डेटा क्या है, या रोहित सर के लेक्चर में आपको मिला होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि डेटा क्या होते हैं, डेटा कितने तरह के होते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि डेटा क्या है, तब उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो गाइस, डेटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह ही आपका क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। तो गाइस, हम इसकी एक पॉइंट लिख देते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो डेटा आपका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचनाओं का संग्रह। अब डेटा जो होता है आपका वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा? पहला है आपका एनालॉग डेटा, और दूसरा है डिजिटल डेटा। ठीक गाइस, अब एनालॉग डेटा क्या होता है? वो डेटा जो इन कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? एनालॉग डेटा बोलते हैं। जो सिग्नल्स में होते हैं, जो बैंड्स में होते हैं, जो चैनल्स में होते हैं,
वो सब क्या होते हैं आपके एनालॉग डेटा, ये लाइट सोर्स होते हैं, लाइट सोर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वहां पे एक मॉनिटर लगा होता है जो पल्स बीपी टेम्परेचर इन सब की माप करता है, जिसमें कुछ इस तरह का एक फिगर चलता है जिसका एम्पलीट्यूड आयाम होता है प्लस ए और माइनस ए। तो जो एनालॉग डेटा होता है वो इन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। हॉस्पिटल में अगर ये सीधी रेखा में चला तो पेशेंट को बता देते हैं गया, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है वो लाइट सोर्स में या फ्रिक्वेंसीज के फॉर्म में चलता है और इसका एक आयाम होता है, और इसी आधार पे जो ये आर्टिस्ट लोग होते हैं जो मिमिक्री वगैरह करते हैं वो इसी एनालॉग सिग्नल को यानी हमारी फ्रिक्वेंसी को ही कैच करते हैं। अगर आपको किसी की आवाज़ निकालनी है तो सेम आवाज़ आप उसके एम्पलीट्यूड को देखोगे, उसके आयाम को कि कितनी तेज लाउड बोल सकता है, कितना ये स्लो बोल सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेटा होता है वो जीरो और वन के फॉर्म में चलता है, लेकिन वो एक लाइट सोर्स के फॉर्म में होता है, ठीक। अब डिजिटल डेटा क्या होता है कि वो डेटा जो ट्रेवल कर रहा है वो नंबर के फॉर्म में चलता है, जीरो वन के फॉर्म में चलता है, वो आपका क्या कहलाता है, डिजिटल डेटा। इसी के आधार पे कंप्यूटर्स बनाए गए थे जिसका दो टाइप आपने पढ़ा होगा, एक डिजिटल कंप्यूटर और दूसरा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण मैंने आपको बताया, जो हॉस्पिटल में हम लोग मशीन देखते हैं, मॉनिटर देखते हैं वो है, और डिजिटल जो आप डेस्कटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो है। अब यहीं से आपके दो डेटा मिलते हैं, अब इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है, सेम प्रोसेस हम लोग फिर से देखते हैं। तो गाइस मेरे आशा है कि आप लोगों को ये डेटा का कंफ्यूजन तो नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा दो तरह के होते हैं, एनालॉग डिजिटल। एनालॉग डेटा क्या है, एनालॉग डेटा वो डेटा है जो इन कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया और प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके एनालॉग डेटा में आती हैं। डिजिटल डेटा वो डेटा है जो जीरो और वन के फॉर्म में चलता है, जिसको हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है वो डिजिटल डेटा है, ठीक। तो गाइस हम लोग एक बार फिर से आते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। तो गाइस हम लोग फिर डेटा कम्युनिकेशन में आते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे सेंडर। सेंडर क्या है, सेंडर वो डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं इट ट्रांसमिट द डेटा, ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। और रिसीवर क्या कहता है, करता है इट रिसीव द डेटा। एक डेटा सेंड करता है, एक ट्रांसमिट करता है, दूसरा क्या करता है, रिसीव करता है। अब आपका मीडियम क्या होता है, मीडियम वो माध्यम है जिससे आपका डेटा ट्रेवल करता है, इट इज अ मीडियम। Which help in data transmission. एक माध्यम है जो क्या करता है, डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, मदद करता है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, इट अ कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ये आपका कंप्यूटर हो सकता है,
या टेलीफोन एटसेट्रा, ये कोई कंप्यूटर हो सकता है या कम्युनिकेटिंग डिवाइस जैसे आपका मोबाइल टेलीफोन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मॉडेम होता है, सेम चीज़ रिसीवर में भी होता है। रिसीवर में आपका कंप्यूटर हो सकता है या टेलीफोन हो सकता है या मॉडेम हो सकता है। तो गाइस यहां पे हम लोगों ने देखा कि सेंडर क्या है और रिसीवर क्या है। सेंडर आपका है जो ट्रांसमिट करता है डेटा, ये कंप्यूटर हो सकता है या टेलीफोन डिवाइस हो सकता है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं। तो वहां पे दो चीजें आपको निकल के आती हैं कि कम्युनिकेट करते हैं तो एक तो वर्बल होता है, दूसरा रिटन होता है और तीसरा बॉडी लैंग्वेज। जैसे कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। अगर वर्बली बात कर रहा हूँ, मोबाइल फोन पे बात कर रहा हूँ, तो एक वर्बल ट्रांसमिशन है, वर्बल कम्युनिकेशन मेथड है। और जब हम कोई चीज़ मैसेज या टाइप करके भेजते हैं वो आपका होता है रिटन। तो इस तरह से आपके कम्युनिकेशन मेथड होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन चैनल में सेंडर सिर्फ सेंड करेगा या रिसीवर रिसीव करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक्सचेंज हो सकता है या ये ड्यूअल प्रोसेस हो सकता है कि रिसीवर भी सेंड कर सकता है और सेंडर भी रिसीव कर सकता है। दोनों चीजें यहां पे संभव है। एक जगह पे ऐसा होता है कि सेंडर केवल सेंड करता है, रिसीवर केवल रिसीव करता है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बट कम्युनिकेशन चैनल में सेंडर आपका रिसीवर भी हो सकता है और रिसीवर आपका सेंडर भी हो सकता है। तो गाइस ये टोटल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोगों ने ये चीज देखी है। अब हम लोग कोई डेटा सेंड करते हैं तो उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उस ट्रांसमिशन को हम लोग देखेंगे, उसका मेथड क्या है, तो हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे डेटा ट्रांसमिशन मेथड या सिस्टम। डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, अब डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में जो डेटा हमारा होता है दो तरीके से ट्रांसमिट होता है। इसमें पहला जो तरीका है वो है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पैरेलल सीरियल और पैरेलल, दो तरह के डेटा ट्रांसमिट होते हैं। तो कैसे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो मान लो कि एक कोई डिवाइस है हमारी ए जो सेंडर है और दूसरी डिवाइस है बी जो क्या है रिसीवर है, ठीक। अब इतने डेटा बनाए, कोई डेटा है गाइस, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो हमारा डेटा ट्रेवल करता है वो पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मल एक मैसेज टाइप कर देते हैं, हाउ आर यू, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है समझाने के लिए। बट जैसे किसी ने मैसेज टाइप किया हाउ आर यू, हाउ तीन शब्द से मिलके बना है, एच ओ डब्ल्यू, एच की ASCII वैल्यू कुछ होगी जिसका एक पैकेट बनता है, एक सेगमेंट बनता है,
दूसरा है ओ का एक सेगमेंट बनेगा और तीसरा है यू का जो सेगमेंट बनेगा। इन सब सेगमेंट को मिला के एक पैकेट तैयार किया जाता है और वो पैकेट ट्रांसमिट होता है वन बाई वन। तो यहां पे जो एक डेटा पैकेट्स बनाते हैं ठीक, ये डेटा पैकेट्स है मान लीजिए हमारा कोई गाइस, अब ये कोई मीडियम है या चैनल है? ठीक, जिसके थ्रू डेटा जाता है। तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं जिनको हमने बिट वाइज रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह ये पैकेट्स बनते हैं जो ये बिट आपको दिखाई दे रहे हैं कि 01101 एक पैकेट बना बिट का। तो पैरेलल ट्रांसमिशन मेथड या पैरेलल ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो एक समय में सारे के सारे बिट को ट्रांसफर करता है एट अ टाइम पूरे बिट को, पूरे पैकेट को ट्रांसमिट कर देता है जीरो और वन के फॉर्म में। तो ये जीरो एक साथ ट्रेवल किया, 01101 एक साथ ट्रेवल होकर रिसीवर तक पहुंच जाता है। गाइस ध्यान देना, जब ये समय कम ले रहा है, एक समय में एक साथ सारे डेटा को सेंड कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन मेथड यानी ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होगा? फास्ट होगा। तो कभी आपसे एडवांटेज पूछे तो एडवांटेज में आप बता सकते हैं, और जो पूछता है आपके एग्जाम में कि आपके कौन से ट्रांसमिशन सिस्टम में डेटा फास्ट ट्रेवल करता है, वो है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। क्योंकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में जो डेटा बिट्स होते हैं, जो डेटा पैकेट्स होते हैं, वो वन टाइम में एक साथ ट्रेवल कर जाते हैं, एक साथ सेंड हो जाते हैं। ठीक, तो गाइस ये क्या होगा? फास्ट होगा, ये ट्रांसमिशन फास्ट होगा। जब ट्रांसमिशन फास्ट होगा तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है, वहां पे डेटा सिक्योरिटी जो होती है वो लेस हो जाती है। गाइस ऐसे सोचिए कि जितने फास्ट आप चलोगे उतने ही आपके एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। सेम चीजें यहां पे हैं कि अगर आप जितना फास्ट आप ट्रेवल करोगे, डेटा ट्रेवल करेगा, तो कहीं ना कहीं डेटा कोलाइड होगा। क्योंकि डेटा पैकेट्स केवल एक ही नहीं भेज रहे हैं, इस एयर मीडियम या फिजिकल मीडियम में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेटा को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये फास्टर है इन कंपैरिजन सीरियल। तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि एक समय में सारे बिट सारे पैकेट्स को एक साथ ट्रेवल करता है। इट इज अ फास्टर कम्युनिकेशन मीडिया वेयर जहां पे आपको फास्ट एकदम ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन यहां पे डेटा सिक्योरिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की। चलिए अब बात करते हैं सीरियल डेटा ट्रांस। ये आपका एक सेंडर है जो कि क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, और यहां पे आपका एक रिसीवर है जो डेटा को रिसीव कर रहा है। हमने आपको बताया कि ये पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को सेंड करता है। हमने यहाँ पे एक पैकेट बनाया 110101, ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। यहाँ कोई मीडियम होगा,
मीडियम ऑब्लिक चैनल। ठीक, तो गाइस इस मीडियम में सीरियल ट्रांसमिशन में कहता है कि जो हमारा डेटा पैकेट है वो बिट वाइज ट्रांसफर होता है, यानी एक समय में एक ही बिट ट्रांसफर होता है। अंतर दोनों में समझिएगा, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हमने आपको बताया कि ये एक समय में पूरे बिट को ट्रांसफर कर देता है, एक साथ जाएगा, वो फिगर में हमने आपको बताया था। यहाँ पे भी क्या है कि एक समय में सिर्फ एक बिट डेटा ही ट्रांसफर होगा, यानी पहले वन ट्रांसफर होगा, फिर जीरो ट्रांसफर होगा, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन और फिर वन, इस तरह से डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है। तो गाइज यहाँ पे देखो कि एक समय में जब एक डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, टाइम को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है। जब टाइम कंज्यूम हो रहा है तो जो ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। टाइम कंजेशन की वजह से, टाइम कंज्यूम करने की वजह से एक समय में सिर्फ एक बिट डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो वहां पे इसका डेटा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जब डेटा स्लो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो डेटा स्लो जा रहा है और आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई, तो ये एडवांटेज है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ गई। डिसएडवांटेज में क्या है कि डेटा क्या हो गया, स्लो हो गया। तो ये है आपका डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपने दो मेथड को पढ़ा, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो गाइस एक बार आप लोग रिकैप कर लीजिए, एक बार दोहरा लीजिए कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनके जो बिट्स होते हैं वो एक समय में एक साथ ट्रेवल करते हैं, एक साथ सेंड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए ये फास्टेड है। जब फास्ट है तो यहाँ पे इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो कम हो जाती है, चूँकि डेटा ट्रैफिक में जब डेटा कोलाइड होते हैं तो वहाँ पर डेटा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हम लोगों ने देखा कि एक समय में सिर्फ एक बिट ही डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक समय में एक बिट डेटा, अगर इस तरह से आपके मान लीजिए कि 5 बिट या 6 बिट का डेटा है तो 6 बार ये समय लेगा, यानी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, और जब स्लो हो जाएगी तो डेटा की सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो थैंक यू गाइस, ये डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या है और कैसे वो ट्रांसफर करता है, क्योंकि वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन पे भी आधारित है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में ही 2 ट्रांसमिशन मोड होते हैं आपके, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो दो मेथड कौन से हैं, 2 मोड कौन से हैं। ठीक गाइस, अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, www.binarytube.in, या आप हमें सीधे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9140722802 या 9950807794 51। गाइस यहाँ पे नंबर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 9580779451 पे आप व्हाट्सएप करके सीधे आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।